मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। थाने के भिवंडी कैशेली में गणेश कोकाटे नाम के एक शख्स की गोली मारकर हत्या करने वाले दो आरोपियों को क्राइम ब्रांच यूनिट 5 ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम है धनराज और दूसरा जो आरोपी है उसका नाम है संदीप कुमार। इन्हें गिरफ्तार किया गया है। करीब महीनों पहले ही भिवंडी के कशेली में मजदूरों के ठेकेदार गणेश कोकाटे की कार में ही गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और तभी से ये आरोपी फरार चल रहे थे, मगर अब क्राइम ब्रांच यूनिट 5 ने इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। थाने पुलिस आयुक्तालय के अधीन में नारपोली के यहाँ पे दिनांक 8/12/2022 को एक फायरिंग की वारदात हुई थी। उसमें एक गणेश कोकाटे नामक युवक की वहां पे हत्या हुई थी। तो उसके तहत हमने एक 302 का गुना नारपोली पुलिस स्टेशन में दाखिल किया था। उसके बाद लगातार हमारे पुलिस आयुक्त साहब जयजीत सिंह सर, सह पुलिस आयुक्त कराले सर और अपर पुलिस आयुक्त गुने मोराले सर, इन्होंने बहुत सारे लोकल पुलिस हो या क्राइम ब्रांच के एक 4-5 टीम हमने तैयार की थी और इसमें ये आरोपी हमारे निशाने पे थे। और उसमें बहुत दिन से हमें कुछ इसमें ये बढ़त नहीं मिल रही थी, लेकिन हमारा जो पहला ट्रैक था वो अलग था और बाद में हमारे जो अलग अलग टीम काम कर रही थी इसमें से यूनिट 5 जो है क्राइम ब्रांच का, जो हमारे घोड़के साहब है और उनकी टीम एपीआई महाजन है और पीएसआई कानडे और बाकी उनके एपीआई शिंदे, ये सब टीम उसके ऊपर काम कर रही थी। उनको एक ब्रेक थ्रू मिला, उसमें उनको एक आरोपी, उसमें जो टेक्निकल एविडेंस है या बाकी उनका जो सोर्सेस है उसका पूरा इंफॉर्मेशन लेके उन्होंने उसमें एक आरोपी पे जीरोइंग किया। ये आरोपी जो निष्पन्न हुआ उसमें वो धनराज तोड़न कर करके आरोपी निष्पन्न हुआ, लेकिन जो वो आरोपी था वो आउट ऑफ महाराष्ट्र था। तो उसके ऊपर पूरा ट्रैक रखा इन्होंने और जैसी इंफॉर्मेशन इनको मिली कि ये यहाँ पे थाना के हद्दी में आ रहा है तो इन्होंने एक ट्रैप लगाया और उसके तहत कल इसको हमने यहाँ पे उसको गिरफ्तार किया यूनिट 5 ने। और इसमें जो मेन आरोपी है वो धनराज तोड़नकर 33 वर्षीय युवक है और दूसरा एक संदीप कुमार कनौजिया करके 27 वर्षीय युवक, उसमें दो आरोपी है। तो इनको हमने अभी गिरफ्तार किया है। अभी आगे जाके इसमें इन्वेस्टिगेशन होगा और भी इसमें क्या गाड़ी यूज की है, जो वेपन यूज किया है या और कोई इसमें इन्वॉल्व है, ये इन्वेस्टिगेशन आगे जारी रहेगा। तो ये जो मेन आरोपी है धनराज तोड़नकर और जो मृत व्यक्ति है उसमें पर्सनल राइवलरी थी और उसके थ्रू ही उन्होंने बहुत दिन से इसका बदला लेना चाहता था और उसने उसके तहत उसके ऊपर पूरा वॉच रख के वो कशेली में उसको ट्रैक करके वहां पे उसने फायरिंग की है। तो अभी और भी इसके जो धनराज तोड़नकर करके जो आरोपी है उसका पहला भी ट्रैक रिकॉर्ड है, उसके ऊपर 3 गुने श्रीनगर पुलिस स्टेशन में दाखिल है। 392 आईपीसी सेक्शन के थ्रू एक गुना दाखिल है, दूसरा गुना 307 सेक्शन आईपीसी के थ्रू दाखिल है और तीसरा गुना जो है 324 के थ्रू दाखिल है श्रीनगर पुलिस स्टेशन में। पहला भी ट्रैक रिकॉर्ड है और एक गुने में वो प्रोक्लेम ऑफेंडर करके डिक्लेयर हुआ है तो वो वांटेड आरोपी था। तो एक बहुत ही अच्छी कामयाबी थाना पुलिस को मिली है और इसमें बहुत दिन से हम ट्रैक पे थे लेकिन हमें आरोपी नहीं मिल रहे थे, तो ये बहुत अच्छा ट्रैक हमें मिलके उसको अभी हमने अरेस्ट किया है। आगे जाके भी इन्वेस्टिगेशन में अगर कोई इन्वॉल्व है तो इन्वेस्टिगेशन में अगर कोई इसमें और इन्वॉल्व है या और कुछ इसमें सामने आता है तो उसके तहत आपको इन्फॉर्मेशन दी जाए। सर, जिस तरीके से पिछले 3-4 महीने देखे तो लगातार 3 से 4 फायरिंग हो चुकी है नौपाड़ा परिसर हो या कशेली हो, तो क्या इन आरोपियों पे लगाम लगेगा, क्या उन आरोपियों को पिछले समय निश्चित रूप से जब तक आरोपी अरेस्ट नहीं होती तब तक लगाम नहीं लगाया जा सकता। चितलसर पुलिस स्टेशन में जो फायरिंग हुआ उसमें 5 आरोपी निष्पन्न हुए थे, 4 आरोपी हमने अरेस्ट किए, उसमें मौका भी वो गुने को लगाया, तो चारों आरोपी अभी तक अंदर है। उसमें दूसरा आरोपी जो वांटेड जो है उसमें आरोपी इंदलकर करके वो भी हमारे रडार पे है, हम उसको भी अरेस्ट करने वाले है। इसमें जो आरोपी अरेस्ट हुए वो हमारी कोशिश यही रहेगी कि अच्छी तरीके से एविडेंस कलेक्ट करे, इनको बाकायदा वो अंदर रहे और कन्विक्शन ये गुने में आए।
कन्विक्शन आने के बाद ही आरोपी के ऊपर अच्छा सा जो चेक बैठता है वो लाने के लिए थाना पुलिस काम करेगी। सर लोगों को क्या आह्वान रहेगा अपनी तरफ से? नहीं, निश्चित रूप से जो अगर कोई पर्सनली किसी को भी लगता है किसी को थ्रेट है या कुछ है, पर्सनल राइवलरी है, तो इसमें निश्चित रूप से हमने इंफॉर्मेशन पुलिस को देनी चाहिए, पुलिस को शेयर करना चाहिए। अगर हमारे इलाके में कोई नए आदमी कुछ वेपन के साथ पाए गए या कुछ अलग एक्टिविटी करके दिखाई देते हैं तो निश्चित रूप से पुलिस को अगर आप इंफॉर्मेशन दोगे तो निश्चित रूप से ऐसे घटनाएं हम टाल सकते हैं।